रही है, जो डिमांड है इसको लेकर रहेंगे। सरकार आए भाड़ में जाए, कोई सरकार आएगी तो भैया फिर वही कुकर्म न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोसी सीमांचल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के नेतृत्व में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनों ने धरना प्रदर्शन दिया है। वहीं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। हम तो चाहते ही नहीं थे बिहार का बंटवारा हो। किन लोगों ने बिहार का बंटवारा किया भाई, कौन जिम्मेदार है? आज बिहार गरीब क्यों है? आज 7% यदि एजुकेशन नहीं है, 20 साल आप रहे हैं, आप 15 साल रहे हैं, सब लोग आप मिल करके यदि 96% दाखिल नहीं है लोगों के पास, 99% कंप्यूटर, तो इसके दोषी कौन है? जनप्रतिनिधि सत्ता ना। और बिहार यदि बाहर में पिटाई कर रहा है तो कौन दोषी है? आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि आप हमको सरकार दीजिए, हम आपको विशेष राज देंगे। क्या मैं तो चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, यदि गांधी मैदान में ये सवाल ये शब्द ना उठा हो, या तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दे या तो हम राजनीति छोड़ दें। फिर 5,000 करोड़ रुपया का घोषणा किया आपने कि 5,000 करोड़ रुपया हम देंगे आरा में, आप 1 रुपया नहीं दिए। फिर 500 करोड़ का आपने घोषणा किया कटिहार में, आप नीतीश जी के साथ बाढ़ में, आप 1 रुपया नहीं दिए। आप पटना सेंट्रल स्कूल के लिए आज तक एक बार नहीं बोले। आप बिहार के बंद पड़े फैक्ट्रियों को आपने कई बार बोला मोतिहारी में जाके कि चीनी मिल शुरू होगा, 3 बार गए, 3 बार बोले शुरू होगा, सारा चीनी मिल बिक गया, पेपर मिल का सारा गाछ वृक्ष लेके चला गया, बनमनखी का चीनी मिल का सारा गाछ वृक्ष लेके चला गया, आप हमको जरा बताइए। तो ये जो मुद्दा है विशेष स्पेशल स्टेटस विशेष राज और सहरसा एम्स रेलवे कुरसेला से भीमनगर को जोड़ना और बख्तियारपुर से कुशेश्वर स्थान को जोड़ना, ये जो मुद्दा है हमारा कि इस इलाके में प्रेस पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया उपराजधानी, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, भागलपुर एयरपोर्ट, आप इसको कभी गंभीरता से सोचिए ना। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा या उसका लाइसेंस, दूध फूड प्रोसेसिंग, मक्का और मखान पर फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज आप कब देंगे? हाईडेम कब बनेगा? जो मुद्दा आप बचपन से शुरू से, हाईडेम के बगैर क्या हम बाढ़ को मुक्ति करा पाएंगे? और ये हाईडेम मुद्दा किसका है? जिसकी सरकार बनती है सबसे ज्यादा कोशिश सीमांचल कुर्बानी देता है और सबसे ज्यादा अपमानित आपने हम लोगों को किया, सबसे ज्यादा पलायन आज हमारे इलाके से, सबसे ज्यादा गाली किसके चलते हम सुन रहे हैं, कौन है इसके जिम्मेदार? गरीबी ये आलम क्यों है? क्यों 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है? 35 साल होने के बाद आप क्या किए? क्या लगता है सरकार डिमांड पूरा कर पाएगी? सर लड़ेंगे, आर पार लड़ेंगे, आज शुरुआत हुई है, अगले मंगल को उपवास पे जाएंगे, फिर रोड जाम है। अपने मिट्टी खून से के बारे में पूछिएगा, मैं जिंदा जब तक हूँ गरीब की आंसू नहीं बहने दूंगा, जिंदा जब तक हूँ तब तक किसी को अन्याय नहीं होने दूंगा, न्याय के लिए पैदा हुआ हूँ। और ये जो डिमांड है इसको लेकर रहेंगे। सरकार आए भाड़ में जाए, कोई सरकार आएगी तो भैया फिर वही कुकर्म न है। जनता बेचारे पिसी जाती है, जनता क्या करे। लेकिन मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और भारत की जनता और किसान और यूथ सदन में जान देने के लिए खुद रहा है। आज यूथ को बचाना जरूरी है, छात्र के भविष्य को बचाना जरूरी है, 900 किसान मर गए आत्महत्या कर लिया उसकी रक्षा करना जरूरी है, महंगाई से बचाना जरूरी है। हमारे लिए मुद्दा है कि 150 से ऊपर लोकसभा के एमपी को निकाल दिया, सदन में हो तो ममता के भतीजा अभिषेक को पकड़ो, अरविंद केजरीवाल को डालो, हेमंत सोरेन को ईडी डालो,
शरद पवार के पोता को डालो, स्टालिन के बेटा को डालो, उद्धव ठाकरे के बेटा को डालो, मतलब सड़क पर लड़ो तो भीतर जाओ। जो लोग चले गए बीजेपी में वो महात्मा गांधी, और जो बीजेपी में नहीं गए वो चोर, उसको ईडी सीबीआई लगाओ। तो यदि देश बचाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और इंडिया गठबंधन को अहंकार त्यागना चाहिए। तो जैसा कि इस पूरे मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसी क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और इनके हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और इनको उनका हक दिला के रहूंगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।